नमस्ते। सबसे पहले हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं की याचना करते हूँ। आदरणीय एबीएस अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, वरिष्ठ लेखा परीक्षक, प्रबंध निदेशक, अकादमिक निदेशक, प्राचार्य एबीएस विद्या मंदिर और प्राचार्य एबीएस विद्यालय को मेरा हार्दिक धन्यवाद, जो आपने मुझे इस हिंदी दिवस समारोह में कुछ शब्द बोलने का मौका दिया। हर वर्ष 14 दिसंबर को संपूर्ण भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु हर साल हम इस दिन को उत्साह से मनाते हैं। हिंदी भाषा विश्व में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं में से एक है। हिंदी हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंबित है। भारत में अधिकतम लोग हिंदी भाषिक हैं। हमारी हिंदी भाषा से हमें संस्कृति का ज्ञान होता है। यह प्राचीन भाषा है, यह सरल भाषा है, जिससे बोलने व समझने में आसान होती है। यह भाषा पूरे भारत को एक बनाए रखती है। यह दिवस हमें हमारी संस्कृति और मूल्यों से बांधे रखते हैं। यह दिन हमारी वास्तविक पहचान की याद दिलाती है। आज लोग हिंदी में बात करते हैं, पर कई बार उनकी बातों से अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होता है और हमारी मातृभाषा को बोलते जा रहे हैं। हमें अपनी भाषा का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। हिंदी दिवस जन जन को जो मिलाती है वे भाषा हिंदी कहलाती है। मूल मंत्र इस कविता के कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी है। मन नीज मन हिंदी दिवस हिंदी मेरा ईमान है। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। हरि वंश राय बच्चन हिंदी के लोग प्रिय कवि है। कबीरदास जी हिंदी साहित्य की निर्गुण भक्ति शाखा की। वह कविता के उत्तर छायावाद काल के। ना करो हिंदी की छिंदी, हिंदी तो है देश की बिंदी। हिंदी दिवस पर कविता सुनाने जा रही हूँ।